नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का सैनिक वेलफेयर रिसर्च में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए डीजीआर के माध्यम से इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट्स, जो कि अगस्त महीने का है। अब आइए जानते हैं जॉब अपडेट्स का। तो ये जेसीओआर के लिए जॉब अपडेट है अगस्त महीने के लिए। सबसे पहला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एयर डिफेंस सेंटर, पोस्ट का नाम होगा LDC, और उसके बाद सेंट कोलंबस स्कूल जिसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर का वैकेंसी है। तो आइए जानते हैं पूरे वैकेंसी को डिटेल से। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए क्या है। तो पोस्ट का नाम है फिजिकल एजुकेशन टीचर, और यह कहाँ के लिए है? सेंट कोलंबस स्कूल। कहाँ है ये? ये फरीदाबाद में है। अच्छा, इसके लिए जो सैलरी है, सैलरी ठीक ठाक है, 30,000 से 40,000 पर मंथ होगा। जॉब फंक्शन है स्पोर्ट्स एक्टिविटी और डिसिप्लिन मेंटेन देखना है। अब इसमें एसेंशियल क्या है? क्वालिफिकेशन BPED, MPED, एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री, या अगर PT कोर्स है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नॉलेज ऑफ इंग्लिश टाइपिंग, ये क्या टाइपिंग स्पीड रहेगा उसके बारे में मेंशन नहीं है, केवल टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग का दिया हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें है 2। साथ साथ में इसमें क्या और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं? इसमें PF और ESI भी मिलेगा, साथ साथ में जमा होगा। और लास्ट डेट इसमें है 18 अगस्त 2022, जिला सैनिक बोर्ड से, और यह जिला सैनिक बोर्ड से नाम भेजा जाएगा। इसके लिए इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां से आप विलिंगनेस सर्टिफिकेट फिलअप करके, विलिंगनेस सर्टिफिकेट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां फिल करके आप जिला सैनिक बोर्ड या आपने नजदीकी राज्य सैनिक बोर्ड में जमा कर सकते हैं, और वहां से आपका नाम DGR को फॉरवर्ड हो जाएगा। अगला वैकेंसी देखते हैं, और यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जारी किया के लिए है, और यह डायरेक्टली अप्लाई करना है। कहां अप्लाई करना है? कमांडेंट, ये देखिए एड्रेस यहां लिखा हुआ, इनको एड्रेस डायरेक्टली ऑफलाइन मोड में इसको अप्लाई करना है, DGR को अप्लाई नहीं करना है, यही डायरेक्ट इसको अप्लाई करना है। उसके बाद पोस्ट का नाम क्या है? LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। इसमें टोटल पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी है 1, और इसमें जो पे होगा वो लेवल 2 का होगा 19,900 से 63,200, यानी 63,200 के बीच रहेगा। और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, 12th पास, और टाइपिंग नॉर्मल सा टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें। मिनिमम जो है इंग्लिश का 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी का के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट है। एज रिलैक्सेशन इसमें भी है पूर्व सैनिकों के लिए, और लास्ट डेट है इसको है भेजने का, जो यहाँ एप्लीकेशन भेजेंगे ऑफलाइन मोड में, ये 30 अगस्त है, ये ध्यान रखेंगे लास्ट डेट के लिए, और ऑफलाइन मोड में होगा। और किस तरह से भेजा जाएगा इसको देखिए, इसमें यहाँ ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है इसका स्कैन करके भेजा जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ इस फिलअप करके, इस फॉर्म को फिलअप करके, साथ साथ में ये सब डॉक्यूमेंट्स का कॉपी भेजना होगा। बाकी इसका इस डॉक्यूमेंट का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेक कर लेंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म को इस तरह से नॉर्मल सा एप्लीकेशन फॉर्म है वहां फिलअप करके इसको डायरेक्टली इस एड्रेस पर इनको भेज देना है। तो यह था पूर्व सैनिकों के लिए BGR के माध्यम से अगस्त महीने का इम्पॉर्टेंट जॉब अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।